विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, इसीलिए एक कमेटी का गठन किया जाए। चूंकि सरकार अस्त व्यस्त थी, इस बात को हम भी समझते हैं। सही एग्जाम दिया है तो एक या दो गलत हो सकते हैं, तीन गलत हो सकते हैं, या हजारों बच्चे अगर बैठे हैं एक उम्मीद के साथ। केंद्र की सरकार हमेशा से रही है बेरोजगारी बढ़ा दी है, महंगाई बढ़ा दी है। पीजीटी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जहां पीजीटी के कैंडिडेट हैं, जो उनका आरोप है कि 5 सेंटरों में ज़्यादा कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया गया है, ऐसे में सीबीआई से जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को हेमंत सोरेन ने 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया, उनमें खुशी की लहर देखने को मिली। और अगर बात करें तो ये पीजीटी एग्ज़ाम की, तो इनमें 3 गुट राजभवन के समक्ष धरना दे रहे थे। एक गुट को तो सफलता मिल गई, नियुक्ति पत्र मिल गया, उनमें खुशी की लहर है। यदि 2 गुटों की बात की जाए तो एक गुट 4 सब्जेक्ट में रिजल्ट की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और तीसरे गुट की यदि बात की जाए तो वही 5 सेंटर में हुई धांधली के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और ये जो 5 सेंटर में धांधली हुई है, इसी को जानने के लिए आज यहाँ पे पहुँची हैं युवा कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष निशा भारती। अब हमारे साथ निशा भारती जी हैं। मैडम, क्या लगता है, सरकार तो आपकी है, क्या छला जा रहा है युवाओं को? सबसे पहले जितने भी आपके चैनल के माध्यम से मेरी वॉइस को सुन पाएंगे और मुझे जो देख पाएंगे, उनको मेरी तरफ से नमस्कार और जोहार। निशा भारती नहीं, निशा भगत नाम है मेरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो युवा अपनी मांग को लेकर के बैठे हैं, सरकार से डिमांड जो कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, तो मैं भी इनके समक्ष इसलिए आई हूँ इनके समक्ष, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि झारखंड परिप्रेक्ष्य में झारखंड की जो सरकार है वो युवा विरोधी सरकार नहीं है। जो केंद्र में बैठी युवा विरोधी सरकार है, जो केंद्र की बीजेपी सरकार बार बार लगातार काफ़ी डिस्टर्ब करते आई है झारखंड सरकार को, जिसकी वजह से अभी लोकसभा के चुनाव में व्यस्तता रही, उसके बाद में फिर झारखंड गवर्नमेंट में सरकार को लेकर के काफ़ी व्यस्तता रही, जिसकी वजह से ये मामला इन लोगों ने शायद सही तौर पे पहुंचा नहीं पाया। लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो भी आदिवासी मूलवासी बच्चों ने जो मेहनत किया है, उनका उनकी जो मांग है, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बड़े भैया से विनम्र आग्रह करूंगी कि कम से कम राज्य स्तरीय जांच होनी चाहिए। यदि जांच होती है तो इन पे एक सेटिस्फैक्शन की भावना रहेगी कि सरकार फेयर गेम, सरकार ने उचित कार्रवाई की हमारे परिप्रेक्ष्य में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, इसीलिए एक कमेटी का गठन किया जाए। चूंकि सरकार अस्त व्यस्त थी, इस बात को हम भी समझते हैं। चूंकि सरकार हमारी है और सरकार से मुझे पूर्ण उम्मीद है, एक आदिवासी बेटी होने के नाते, कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जिनके साथ में गलत हुआ है वो सही हो और जाँच कमेटी उसका उचित निर्णय करे। तो क्या आप मानती हैं कि 5 सेंटरों में धांधली हुई है? मैं मान नहीं रही हूँ, जब तक जांच नहीं हो पाएगी तब तक मैं कैसे मानूंगी कि जो जांच का विषय है, और जांच का जो विषय है उसमें हमारी जूनियर भी जो स्कूल की रही हैं, जो कि पढ़ने में बहुत ही तेज तरार रही हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, और एक उम्मीद के साथ अपना एक प्रयास जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो कोई भी अगर सही एग्ज़ाम दिया है तो एक या दो गलत हो सकते हैं, तीन गलत हो सकते हैं, या हज़ारों बच्चे अगर बैठे हैं, एक उम्मीद के साथ कि हमारे जो मुखिया हैं झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से अगर गुहार लगा रहे हैं इतना समय से, चूँकि सरकार अस्त व्यस्त रही है केंद्र की वजह से, आप भी देख रहे हैं, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें विलंब हुआ है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है सरकार से कि ये कम से कम इसमें झारखंड युवा विरोधी सरकार नहीं है, जैसा कि केंद्र की सरकार हमेशा से रही है बेरोजगारी बढ़ा दी है, महंगाई बढ़ा दी है। जिस तरीके से आपने देखा था कि नीट एग्ज़ाम किस तरीके से हुआ, कैसे धांधली हुई, उस पर सरकार का क्या रवैया हुआ, कितनी बर्बरता के साथ हमारे ऊपर भी जब युवा कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था तो कितनी लाठियां चार्ज हुई थी, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। सरकार तो आपकी चल रही थी, केंद्र का क्या उलझाना हुआ? ये पीजीटी एग्जाम राज्य सरकार ने कंडक्ट करवाया है, जेएसएससी ने कंडक्ट करवाया है। देखिए, कंडक्ट कर मैं चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकी आवाज भी तो पहुँचनी चाहिए सरकार तक, सरकार तक बात भी तो पहुँचनी चाहिए। बात ये हो रही है कि सरकार भी तो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब रही,
आप ही देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद में सरकार कितनी उथल पुथल हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री हमारे चंपई सोरेन जी जो अभी बनाया गया था उनको मुख्यमंत्री के रूप में, तो क्यों केंद्र की सरकार ने प्रेशर किया, हेमंत जी को जेल भेज दिया गया, यहाँ की सरकार को कमजोर समझ करके इन पे कितना प्रेशर किया गया, ये भी तो वास्तव स्थिति देखने की बात है। मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार के संज्ञान में इन लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं रखा, इसकी वजह से मुझे आवाज बनने की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए मैं इधर हूँ। तो जांच होनी चाहिए बिल्कुल राज्य स्तरीय, मेरी तो मांग ये रहेगी कि राज्य स्तरीय जांच हो, कम से कम मैं अपने राज्य की बात करूंगी, क्योंकि राज्य परिपेक्ष में है तो मैं राज्य स्तरीय जांच की बात करूंगी। मैं यदि राज्य सरकार यहां से लिख के देती है तो सीबीआई जांच होगी, देखिए क्या राज्य सरकार को करना चाहिए? देखिए सरकार को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके लिए मैं अभी इतनी बड़ी सक्षम लीडर तो नहीं हूँ कि मैं निर्णय ले पाऊँ, क्योंकि वो कमेटी बैठने की बात हो रही है, सरकार की कमेटी की बात हो रही है। हम एक कार्यकर्ता हैं, हम एक बात को पहुँचा सकते हैं सरकार तक, और अगर सरकार बात को हमारी सुनती है तो उस पर जरूर संज्ञान लेगी, क्योंकि ये झारखंड के जो भी विद्यार्थी हैं युवा के परिप्रेक्ष्य में हमेशा ये सरकार सोची है, तो एक उम्मीद के साथ में ही मैं इनके सपोर्ट के लिए बैठी हूँ। अच्छा, कल शुक्रवार को हेमंत सोरेन ने 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा, अब बीजेपी का आरोप है कि उनमें साठगांठ हुई है, लेन देन हुआ है, मोल भाव हुआ है, सीटें बेची गई हैं, क्या लगता है कि ये आरोप है कि इसका भी जांच होना चाहिए? बीजेपी बोल रही है कि हमारी सरकार आएगी तो जाँच करवाएंगे। देखिए आरोप प्रत्यारोप की बात तो आप ना ही करें तो बेहतर होगा, चूंकि आप भी जानते हैं कि हमारे केंद्र में जो हमारे लीडर है जननायक है आदरणीय राहुल गांधी जी, उन पे भी कई सारी बातें उठती हैं। आपने अभी एक एक, एक न्यूज़ देखा होगा, उनका एक स्टेटमेंट आया था जो कि अमेठी से जो इतनी घमंडी और प्राउडी जो लीडर रही हैं स्त्री हैं इसीलिए सम्मान करते हुए जो भी देश में उनके प्रति लिखा जा रहा था कि चाहे वो बीजेपी के वाले लोग ही लिख रहे होंगे लेकिन कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे, तो ऐसे में एक स्टेटमेंट आया कि वो एक महिला है, महिला का सम्मान सर्वोपरि है, तो आपत्तिजनक कोई स्टेटमेंट जारी ना करे। जब इतना बड़ा दिल हमारे राहुल गांधी जी का होते हुए भी ये लोग उनके खिलाफ में इतनी अभद्र बातें करते हैं, पप्पू कहते हैं या फिर कई तरह की टिप्पणी करते हैं, तो उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सबको पता है कि जो सही है तो सही है। अगर ये राज्य में अगर सही सुचारू रूप से नहीं चलाते तो शायद यहाँ की जनता हमारे गठबंधन को प्यार भी नहीं देती, वोट भी नहीं देती। किस प्रकार से जैसे कि युवा आए दिन परेशान रहते हैं, जीएसएससी ज़्यादातर जीएसएससी जिस भी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है युवाओं को कार्यालय का चक्कर लगाना होता है, नेताजी के दरवाजे खटखटाने होते हैं, कि क्या इसका क्या समाधान होना चाहिए? देखिए समाधान के लिए ही तो बैठे हैं, अभी जो संज्ञान में होगा जो जानकारी में होगा मुझे लगता है वो काम किया जाएगा ना, डेफिनेटली किया जाएगा, लेकिन संज्ञान में ही नहीं हो तो उस कार्य को कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ आज पहुँची हैं तो आज के बाद तो यहाँ की बात पहुँचनी चाहिए सरकार, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप एक माध्यम बनी बन सकते हैं। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि जो सरकार है वो गूंगी बहरी सरकार नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी भी अल्लाह कमान से भी मैं अनुरोध करूंगी, चूंकि उनके तक बात पहुंचाऊंगी, उनसे बात करूंगी और इन समस्या का समाधान पूर्ण जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगी, और मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स या फिर इस महागठबंधन की सरकार जो है युवा के परिप्रेक्ष्य में अपना निर्णय लेंगी, चाहे उन्होंने वितरित कर दिया है लेकिन एक जांच कमेटी तो बैठना बनता है, क्योंकि वास्तु स्थिति से अवगत होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से आरोप पे आरोप लगा रही है तो मुझे जहां तक लगता है कि हमेशा से बीजेपी आरोप ही लगाती आई है, कोई कार्य तो किया नहीं इन्होंने, आप तो जानते हैं कि जो स्थिति रही है देश की बद से बदतर होते जा रही है, तो मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप से हमारा झारखंड सरकार धूमिल नहीं हो सकता। तो हमारे साथ बात कर रही थी निशा भगत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जांच होनी चाहिए, राज्य सरकार जांच करवाए और दूध का दूध पानी का पानी हो, युवाओं को छला नहीं जाए। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यह हो जाता है कि क्या ये पीजीटी के जो कैंडिडेट हैं इनका जो आरोप है इसको लेकर सरकार कुछ रुख अपनाती है कि नहीं, ये काफ़ी अहम हो जाएगा, क्योंकि आए दिन बीजेपी का आरोप है कि कल जैसे कि 1500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया उसके बाद भी बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी जांच करवाया जाएगा, क्योंकि 1500 जो सेलेक्ट कैंडिडेट हैं उनमें भी धांधली हुई है। हालांकि 5 सेंटर की यदि बात की जाए इस धांधली को लेकर सीबीआई जांच की मांग है, तो सरकार का क्या रुख होता है यह देखना काफ़ी अहम हो जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अपने सहयोगी नूतन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ 22 स्कोप, रांची।
कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ। इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।